Hello student, welcome to the 19th lecture of IUPAC nomenclature, and we are in a chapter of general organic chemistry, that is GOC. Now previous lectures में up to 18th lecture हम लोग ने बहुत सारे IUPAC naming पढ़ लिया बच्चों. IUPAC naming of carboxylic acid, alkene, alkene, alkynes है, aldehyde ketones, alcohols है, even हमारा ester भी हो चुका है. तो अभी थोड़े ही functional group बाकी है. तो आज के जो lecture में हम लोग functional group discuss करेंगे वो दो से तीन functional group रहेंगे. जैसे सबसे पहले हम लोग amide discuss करेंगे, ठीक है. तो आज के lecture में हम लोग IUPAC naming of amides पढ़ेंगे. बट मैं आपको पहले दो मिनट बेटा एक आपको दो क्वेश्चन देता हूँ जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसके ऊपर क्वेश्चन है. आप लोग प्लीज वो सॉल्व करिए, फिर हम लोग ये वाला स्टार्ट करते हैं. तो एज अ टेस्ट के तौर पर आज का दो क्वेश्चन लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, इसका नेमिंग करना है आपको. एंड दूसरा क्वेश्चन, ये दो कंपाउंड्स, ठीक है, इनका नेमिंग करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. हो गया, चलो देखते हैं आपके आंसर्स राइट है कि रॉन्ग है. सबसे पहली बात तो ये वाला पार्ट क्या है, दोनों साइड में कार्बन है तो ये कीटोन हो गया, करेक्ट. नाउ इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है वो सबको पता है बेटा, इसका नाम क्या है, एस्टर है. तो सबसे पहले मुझे आता बेटा कीटोन और एस्टर में हायर प्रायोरिटी कौन सा है बच्चों, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एस्टर, ठीक है ना. हम लोग को सीरीज याद होना चाहिए, मॉम डैड वो सीरीज वाला याद है ना सबको वैसे. तो अगर एस्टर बेटा हायर प्रायोरिटी में आता है तो कीटोन तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका साइड चेन हो जाएगा, जिसको हम लोग बेटा किसके फॉर्म में लिखेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में. ना कीटोन का बेटा नाम हमको पता है, या तो आप ऑक्सो लिखते हो या फिर कीटो लिखते हो, ठीक है ना. अभी एस्टर के नेमिंग में हम लोग सबसे पहले पता है कि जो ओ के साथ जुड़ा है उसका ही नाम लिखेंगे. तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, ओ के साथ कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो सबसे पहले मिथाइल लिख देंगे, ठीक है ना. फिर आगे बताओ, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से ही शुरू होगी, 1 2 3 4. तो 3 के ऊपर कौन है, कीटो या फिर ऑक्सो बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सो. फिर उसके बाद में चार कार्बन है, तो चार कार्बन है तो ब्यूट, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या एन आएगा कि इन आएगा, एन आएगा. और फिर बाद में ये एस्टर है तो लास्ट में क्या आएगा, ओएट आएगा, क्योंकि एस्टर वाला कार्बन भी काउंट हो रहा है, ठीक है, नहीं होता तो कार्बोक्सी ले आता. तो आई होप आप लोगों का आंसर यही आया होगा, अगर किसी का रॉन्ग है तो आप प्लीज करेक्शन कर लेना. उसके बाद में इसका नाम क्या है, एनहाइड्राइड है, ये तो एनहाइड्राइड है. पर मैंने इसका ट्रिक क्या बताया था, ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे ब्रेक होगा बराबर, इसका नाम क्या है, एसिडिक एसिडिक एसिड है इसका नाम, इसका इथेनोइक एसिड है. आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनोइक एसिड. तो मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था याद है, दोनों अगर सेम रहेगा तो सबसे पहले आप एसिड का नाम लिख दो, इथेनॉइड तो लिख दिया, अभी एसिड को हटा के क्या नाम आ जाएगा, बस खाली एनहाइड्राइड लिखना है बस, ठीक है. तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है. उसी नीचे बेटा इसका एक और नाम लिख लो, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है, थोड़ा नॉइज है, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है. ये इसका बच्चों कौन सा नाम है, कॉमन नेम है, और इसको आप याद रखिएगा प्लीज, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड. चलो तो जिसका करेक्शन करना है तो कर लीजिए, हम लोग अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइड्स, ठीक है ना. अमाइड्स का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू होता है, ठीक है. इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है उसको तो हम लोग अमाइड ही बोलते हैं, ठीक है. और अगर इसका जो स्पेशल सफिक्स है, मतलब ये वाला कार्बन अगर नंबरिंग में आ रहा है तो अमाइड, और अगर ये वाला कार्बन नंबरिंग में नहीं आ रहा है तो कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ये इसका क्या हो जाएगा, स्पेशल नेमिंग, ठीक है. तो ये हो जाएगा कार्बोक्सामाइड और ये हो जाएगा आपका अमाइड हो जाएगा, ठीक है. चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ. नंबर वन एच, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, करेक्ट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया. नंबर टू सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात तो ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही हुआ, इसी को नंबर करेंगे 1. इधर तो हाइड्रोजन है तो 2 तो हो नहीं सकता,
क्या यहाँ पे कोई साइड चेन है? नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको तो बेटा नंबर वन ही करेंगे, ठीक है ना। इसको अमाइन मत बोलना या अमाइनो मत बोलना, ये इसके साथ में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो बताओ अभी इसमें कोई साइड चेन, इसको हाइड्रोजन को साइड चेन मत मानना, ठीक है। तो अभी बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद रूट, एक कार्बन मिथुन। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? हाँ सर, है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो एक ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे? सॉरी, मिथ हो गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आ गया। फिर अभी ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बन को नंबरिंग हुई कि नहीं हुई है? हुई है, तो 2 डिग्री सफिक्स का आएगा। नहीं होता कार्बन को नंबरिंग तो 1 डिग्री सफिक्स आता, तो बताओ, तो स्पेशल सफिक्स आता, सॉरी। तो बताओ यहाँ पे अमाइड आएगा, तो अमाइड है तो बेटा ये वाला ई को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए बेटा इसका नाम क्या रहेगा? अमाइड, मिथेनामाइड, इसका नाम है मीथेनामाइड, ठीक है। अभी बताओ इसमें कैसे करेंगे नंबरिंग? ये कार्बन सबसे बड़ा चेन, 1 2, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथर। इसको साइड चेन मत बनाना, ये तो चेन का ही कार्बन है ना, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन है, इसे ये लॉन्गेस्ट चेन है, और इसको साइड चेन मत बनाना क्योंकि ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो इथेनामाइड हो जाएगा, ठीक है। ई हटा दिया मैंने, इथेनामाइड। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेते हैं, चलिए अभी ये वाले देखते हैं, चलो आप लोग भी ट्राई करना साइड बाय साइड। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, करेक्ट ना। अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा यही वाला होना चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आए, क्योंकि उसमें कार्बन है, बराबर है। मैंने NH2 को भले बॉक्स में डाला है बट नंबरिंग नहीं करूंगा। यहाँ पे बोलोगे सर आपने NH2 को तो बॉक्स में नहीं डाला, बॉक्स में डाल तो चलेगा, बट आप इसको क्या करोगे? नंबरिंग में नहीं लेना, क्योंकि वो तो फंक्शनल ग्रुप का ही बन रहे, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अभी बताओ यहाँ पे थर्ड पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल है, तो ये साइड चेन हुआ ना, तो प्रीफिक्स हुआ। फिर रूट बेटा कितने कार्बन है? टोटल 4 है, तो ब्यूट आएगा। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो एन आएगा कि इन आएगा? एन आएगा। फिर 1 पे ही है और कार्बन काउंट हो रहा है, तो नाम में क्या आएगा? अमाइड, ठीक है। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, NH2, ठीक है ना बच्चों, ये अमाइड हो गया। चलो इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं, यहाँ पे CH3 भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना, CH3 जोड़ दिया यहाँ पे। चलो अभी बताओ अभी नंबरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन है। फिर इसको नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 ये 2 4 और ये 5 करेंगे, बराबर है। तो 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? साइड चेन है बेटा, क्या नाम है इसका? 4 के ऊपर मिथाइल। उसके बाद नेक्स्ट बताओ टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है, तो पेंट आएगा, पेंट। उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे? 3 और 4 के बीच में, तो क्या लिखोगे? 3 इन, और अमाइड है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, तो ई का इन का ई हट जाएगा और वर्ड क्या आ जाएगा? अमाइड, ठीक है। चलो फिफ्थ एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, टेक योर टाइम, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं वो वाला पार्ट इरेज करता हूँ। चलो ट्राई करो बच्चों। चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे बेटा सी डबल बॉन्ड और NH2 डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं अगर ये वाला एग्जांपल ले रही, अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ही रिंग को नंबरिंग करना है। क्या ये वाला पार्ट रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं ना, बीच में कितने बार CH2 है? 2 बार है बेटा। तो सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही कहना जाएगा, सर इसमें तो 6 कार्बन है बट क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? नहीं, तो मेन तो बेटा फंक्शनल ग्रुप ना अपना FMS रूल है, RP ट्रिक, 1 2 3 हो गया। अभी इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्साइल, तो 3 के ऊपर जुड़ा हुआ है कौन? साइक्लोहेक्साइल, 3 के ऊपर जुड़ गया साइक्लोहेक्साइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 है बच्चों, तो प्रॉप आएगा, एन आएगा कि इन आएगा? एन आएगा, क्यों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, प्रोपेन, और फिर क्या आएगा बच्चों? अमाइड, सो प्रोपेन अमाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसको नंबर नहीं करूंगा, मैं रिंग को नंबर करूंगा, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट ना, इस तरीके से नंबर किया जाएगा। चलो इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं, यहाँ पे OH भी जोड़ देते हैं, थर्ड के ऊपर OH। तो अभी बता अमाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों? अमाइड ही है, अमाइड मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अगर आप सीरीज याद करते हो तो अल्कोहल तो बहुत नीचे आता है, तो यहाँ पे ये साइड चेन के तौर पे हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप,
3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अभी बताओ क्या ये बेटा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? हाँ बराबर है। तो क्या इस कार्बन को नंबरिंग किया जा रहा है क्या? इस कार्बन नंबर में आ रहा है क्या? नहीं सर, ये आ रहा है ना वन वन, तो बेटा इसका है, ये वाले कार्बन का है। तो अगर वो कार्बन नंबर में नहीं आ रहा है तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सामाइड। तो 3 हाइड्रोक्सी, ये कौन सा रिंग है? साइक्लो हेक्सेना बराबर है, कार्बोक्सामाइड, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। हाँ अब ये ई वाला मत हटाना। क्यों नहीं हटाना बच्चों? क्योंकि इसकी शुरुआती अक्षर क्या है? सी है बेटा, तो ए ई आई ओ वाई में से कुछ है नहीं, तो ये हटेगा नहीं। ठीक है, सेवेंथ एग्जाम्पल। अच्छा देखिए ये वाला, सॉरी इधर NH2 डाल दिया बराबर। अभी इसका नेमिंग कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही लॉन्गेस्ट चेन हो गया अपना बराबर। इसमें भले कार्बन नहीं है लेकिन अपन नंबरिंग तो यहीं से कर रहे हैं बेटा। ठीक है 3 4, अगर किसी को डाउट है तो फिर ये यहां तक ही लो, बट इसको साइड चेन मत लेना फिर। ठीक है NH2 को साइड चेन मत लेना। अभी ये क्या नाम है बेटा? साइक्लो प्रोपाइल नाम हो जाएगा। सो 3 के ऊपर साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल, टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। तो ब्यूटेन और वन वाला देखो कार्बन काउंट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा था तो कार्बोक्सामाइड, यहाँ पे काउंट हो रहा है तो अमाइड आ जाएगा। तो ये इसका IUPAC नेमिंग में नाम हो जाएगा। ठीक है तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको और 6-7 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ठीक है फोटो ले लो इसका। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग सॉल्व करिए, मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट वन लिखिए, CH3 सी डबल बॉन्ड हो NH2, ये फर्स्ट। सेकेंड CH3 सी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो NH2। थर्ड क्वेश्चन सी डबल बॉन्ड हो NH2, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है एंड फोर्थ क्वेश्चन है, लिखिए आप लोग तब तक। सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है, इन सबके आंसर्स मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है वीडियो पॉज करिए बच्चों और इसको सॉल्व करिए। हो गया, चलो देखते हैं। अभी सबसे पहली बात तो ये कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो यही है बच्चों, तो इसको नंबर करेंगे 1 और इसको 2 करेंगे। दो ही कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा इथर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा, बट ये वाला ई हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाइड। इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ, 2 ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्यूट। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 2 पे, इन और ए हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? अमाइड। ठीक है ना, सो ब्यूट टू इन अमाइड हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग से जुड़ा हुआ है तो स्पेशल सफिक्स आएगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या? साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो प्रॉप, साइक्लो प्रॉप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाइड। अमाइड की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से, वैसे भी गलती होगा। कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड क्यों लिखा बच्चों बताओ? क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है रिंग से, तो ये 1 2 और 3, तो यहाँ पे स्पेशल सफिक्स आएगा कार्बोक्सामाइड। और ये ई को ड्रॉप मत करना, क्यों? बिकॉज वो यहाँ पे सी से शुरुआत हो रहा है। अभी बताओ क्या ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं है, तो फिर आपने क्या किया रहेगा बताओ जल्दी से? यस, रिंग को नंबरिंग मत करना, इसको नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो 2 के ऊपर ये क्या है? साइक्लो हेक्साइल। सो 2 साइक्लो हेक्साइल, फिर बताओ आगे? वेरी गुड, इथ एन क्या आएगा साथ में? अमाइड आ जाएगा, इथ एन अमाइड हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। क्यों अमाइड आया? बिकॉज ये नंबर में आ रहा है। ठीक है चलो अभी हम लोग आते हैं स्पेशल केसेस, स्पेशल सफिक्स नहीं, स्पेशल केसेस। ठीक है केस 1, अगर आपके अमाइड में, अमाइड ग्रुप क्या होता है बच्चों? ये वाला, यहाँ पे NH2 होता है ना, अगर यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया, R ग्रुप आ गया अल्काइल ग्रुप, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे? सर समझा रहे, एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों।
यहाँ पे समझो अगर मैंने ऐसे लिख दिया सी डबल बॉन्ड हो NH2, तो इसका नाम तो अभी कोई भी बोल सकता है, 1 2 3 प्रोपेन अमाइड हो जाएगा। बट अगर मैं इस दो में से एक एच को हटा के यहाँ पे समझो CH3 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ CH3, तो बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट अमाइड हो जाएगा। है तो अभी भी अमाइड ही है तो अभी भी अमाइड ही है, बट मैंने जब आपको IUPAC नेमिंग में जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप सिखाए थे तब बताया था इसको हम लोग बोलेंगे एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। क्यों? क्योंकि एन के ऊपर हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन को हटा के किसी भी ग्रुप को लाना, उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे वाले कंपाउंड का नेमिंग किस तरीके से किया जाता है ये बहुत आसान है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, ये अपना लॉन्गेस्ट चेन ही है ठीक है ना। इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो बट इसको नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग हमेशा इधर से होगी 1 2 और ये 3 हो जाएगा बराबर। अभी इसमें क्या एक्स्ट्रा है बच्चों समझा, अब ध्यान से देखना। अगर समझो ये वाला ग्रुप नहीं होता तो आप इसका नाम क्या लिखते सोचो। तो सर इसका नाम तो इजी था, आपने बताया था प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड लिखते बराबर है। अभी मैंने क्या कर दिया, इसके एक एच को हटा के वहां पे CH3 जोड़ दिया। अब ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, एन से ही जुड़ा हुआ है। सर ये तो एन से जुड़ा हुआ है, सो रहे क्या सब लोग? हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन ऐसा है इसमें, तो जुड़ा हुआ किससे है, वो एन से है। तो एन के ऊपर एक्स्ट्रा क्या आ गया सर, एन के ऊपर एक्स्ट्रा आ गया मिथाइल, क्या आ गया एन के ऊपर मिथाइल। तो इसके नाम में बस आगे एक्स्ट्रा लिखना है और कुछ नहीं, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। सर फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो गया, नहीं तो नेम बता रहा है इसका बेटा कि कहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेटर तो यही है। जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं ना वैसे यहाँ पे हम लोग एन लिखते हैं। सर एन क्यों लिखा, एन स्टैंड फॉर व्हाट सर, एन स्टैंड फॉर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो, एन का मतलब यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। डोंट वरी, मैं आपको और 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखिए जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 सी डबल बॉन्ड हो एन, यहाँ पे C2H5, क्या है बेटा C2H5। तो सबको इतना तो पता है कि C2H5 को हटा के क्या लिखना होता है सबसे पहले, वेरी गुड बोलो CH2CH3 बराबर है। अभी इधर भले 5 कार्बन भी हो, इधर 2 ही कार्बन है, तो भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले को ही नंबरिंग करेंगे बेटा। तो आपका मेन चेन तो यही होगा, मेन चेन तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाले होगा, 1 2 हो गया अभी बराबर है। अभी समझो अगर ये वाला ग्रुप नहीं होता तो इसका नाम क्या लिखते आप, सिर्फ इसका नाम बताओ सर, इथेनामाइड। तो इसका नाम हो जाता इथेनामाइड। अभी इथेनामाइड के इस एन के ऊपर क्या जुड़ गया, इथाइल ग्रुप जुड़ गया, क्या जुड़ गया इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए इस एनएच के ऊपर हमने साइक्लोप्रोपेन रिंग जोड़ दिया, कौन सा रिंग जोड़ दिया साइक्लोप्रोपेन। तो बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले तो ये आपका मेन चेन हो गया, नंबरिंग 1 2 3 और ये 4, वहां पे एन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या नाम करेंगे बताओ, ब्यूट एन अमाइड, ये ब्यूटेन अमाइड हो गया और एन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल, तो वहां पे इथाइल था तो इथाइल लिखा, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है तो साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे, एकदम सिंपल ना बच्चों, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनामाइड ठीक है। लेट्स गो टू द लास्ट एग्जांपल, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH, ये देखिए ये वाला आप लोग करिए अभी, चलिए ये वाला आप लोग सॉल्व करिए, ट्राई करिए, चलिए आया, सो रहे सब लोग लगते हैं सो रहे आज का लेक्चर, मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग में कर रहा हूँ बेटा, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा नींद में हूँ। चलो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो बताओ ये क्या है, साइक्लोपेंटाइल है, तो एन साइक्लोपेंटाइल टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे प्रोपेनामाइड, इसका नाम क्या रहेगा प्रोपेनामाइड। चलिए तो स्टूडेंट्स केस वन के एग्जांपल्स में आपको और 2-3 प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, फिर केस टू स्टार्ट करेंगे। अभी सोचो केस टू में क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन भी हटाएंगे, तो यहाँ पे एन मिथाइल 2 बार होगा तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल, अगर अलग अलग होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, बहुत ईजी है, कुछ टेंशन नहीं है। आप लोग इसका फोटो लो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके
ओके स्टूडेंट, सो तीन चार एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। लिखिए आप लोग, ये थ्री एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करिए, मैं आंसर बताऊंगा, डोंट वरी, बट पहले आप लोग ट्राई करिए। सेकेंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ट्राई करिए, फिर हम लोग केस टू स्टार्ट करते हैं। हो गया, चलो देखते हैं फिर। अब बताओ, ये भी एन सब्स्टिट्यूटेड ही है। सबसे पहली बात तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, सो नंबरिंग में बेटा इस एन इस को मत लेना, ठीक है? थ्री और ये फोर हो जाएगा, करेक्ट ना? एन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है बताओ? एन के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो एन के ऊपर मिथाइल, टोटल कार्बन है चार, ब्यूट एन नहीं आएगा। टू के ऊपर क्या है? ईन है, और कार्बन काउंट हो रहा है, तो क्या आएगा नाम है? अमाइल, बराबर है? अभी यहाँ पे बच्चों नंबरिंग किसको करेंगे हम लोग? रिंग को नंबरिंग करेंगे। सर रिंग को क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बट इसके एन के ऊपर सीएसली जुड़ा हुआ है। तो बताओ, चलो एक काम करते हैं, डिफिकल्ट जा रहा है, इसको ऐसे किया। बताओ इसका नाम क्या है? सर इसका नाम तो इजी है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। अभी इसके एन के ऊपर बेटा मैंने सी एस थ्री जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। सो सिंपल, करेक्ट? यहाँ पे तो एक ही कार्बन है। चलो अगर मैं इसका नाम हटा दूँ, जब भी आपको डाउट आता है ऐसे लिखिए बेटा, इसका नाम तो सर मिथेनामाइड है, एक ही कार्बन है, तो मिथेनामाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मिथेनामाइड, करेक्ट? तो अगर इसका नाम मिथेनामाइड है, इसके एन के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया? सी एस थ्री जोड़ दिया, तो एन मिथाइल, एन क्या? मिथाइल मिथेना माइड हो जाएगा, एन मिथाइल मिथेना माइड हो जाएगा, ठीक है? चलिए अभी आ जाते हैं केस टू में, जिसका रॉन्ग है बेटा करेक्शन कर लेना, ठीक है? केस टू की बात करें तो बेटा यहाँ पे दोनों एच को हटा के मैंने आर आर ग्रुप जोड़ दिया। ये आर और ये आर जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब आर वन और आर टू। तो आर वन और आर टू इक्वल भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और आर वन और आर टू इक्वल नहीं भी हो सकते। दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगा, बहुत ईजी है। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं हम लोग, नंबर वन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एन, यहाँ पे भी सी एच थ्री और यहाँ पे भी सी एच थ्री, ये दोनों सेम हो गए बेटा, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो सबसे पहली बात तो नंबरिंग तो इसी को करेंगे। इसका नाम क्या है वो बताओ पहले। सर इसका नाम तो इथेनामाइड है, बराबर है? और इथेनामाइड के एन के ऊपर पहले एक ही सी एच थ्री हुआ करता था, अभी दो दो है, तो दोनों सेम है, यस, तो डाई आएगा। तो एन कॉमा एन दो बार लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइड, डाई मिथाइल इथेनामाइड हो जाएगा। नंबर टू सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एच थ्री, यहाँ पे सी टू एच फाइव, करेक्ट ना? सी टू एच फाइव। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे बेटा इतना तो कंफर्म है कि इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनामाइड आएगा, प्रोपेनामाइड आएगा, इतना तो कंफर्म है। बट एन के ऊपर इथाइल भी जुड़ा है और मिथाइल भी जुड़ा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा। एन के ऊपर ई, इथाइल पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, इस तरीके से नाम लिखा जाएगा बेटा। इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है? थर्ड एग्जाम्पल एक और सॉल्व करता हूँ, फिर फोर्थ और फिफ्थ आप लोग करना, ठीक है? चलिए देखिए, थर्ड एग्जाम्पल मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों रुकिए, ये देखिए एन के ऊपर एक तो साइक्लोप्रोपेन रिंग जोड़ दिया मैंने, ठीक है? और यहाँ पे समझो इथाइल जोड़ दिया, C2H5। तो बताओ इसका नामकरण कैसे करेंगे? सर इतना तो कन्फर्म है, ये वन टू थ्री है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। क्या नाम है? प्रोपेनामाइड।
अभी एन के ऊपर इथाइल भी जुड़ा है और एन के ऊपर साइक्लोप्रोपाइल भी जुड़ा है, तो पहले कौन आएगा, सी आएगा, सी आएगा ना, फिर बाद में डी और ई आता है, तो एन साइक्लोप्रोपाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल, एन इथाइल प्रोपेनामाइड, एन साइक्लो इथाइल, एन इथाइल प्रोपेनामाइड। चलिए अभी ये दो एग्जांपल आप लोग सॉल्व करिए, आंसर मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पहले आप लोग ट्राई करिए। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना कि जा रहा है ऊपर से, जब सुना सुना लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इजी लगेगा, ठीक है, ट्राई करिए। चलिए ये दोनों आंसर आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए अच्छे से और इन दोनों को सॉल्व करिए। चलो आंसर्स डिस्कस करें। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, हमेशा ना रखना लॉन्गेस्ट चेन सी डबल बॉन्ड ओ से ही शुरू होगा, ठीक है। चलो बताओ, 1 2 3 4, ठीक है ना, एन के ऊपर इथाइल है और एन के ऊपर मिथाइल है, तो ये एन इथाइल एन मिथाइल हो जाएगा, सो एन इथाइल, देखिए आंसर बराबर लिखा है कि नहीं आपने, एन इथाइल, एन कैपिटल होना चाहिए, ये एन, और ये भी कैपिटल होगा, ये तो खाली नंबर डिनोट कर रहा है किससे जुड़ा हुआ है, इधर भी कैपिटल है, एन छोटा मत लिखना, ये एन का मतलब नाइट्रोजन है यहाँ पे, एन इथाइल एन मिथाइल, ठीक है ना। उसके बाद में टोटल कितने कार्बन है, 4, ब्यूट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन, और यहाँ पे क्या रहेगा, अमाइड, इन अमाइड। चलो इसका नामकरण करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो एन के ऊपर मिथाइल भी है और साइक्लोप्रोपाइल भी है, मिथाइल का एम और साइक्लोप्रोपाइल का सी, तो पहले बार आएगा सी आएगा, तो एन साइक्लोपेंटाइल, सॉरी प्रोपाइल नहीं, साइक्लोपेंटाइल एन मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या आएगा, प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ हमारा अमाइड्स का हो गया। फिर भी मैं दो तीन एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी सॉल्व कराता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, दो तीन सॉल्व कराता हूँ, फिर हम लोग बेटा इसका होमवर्क दूंगा मैं आपको, फिर हम लोग नया वाला फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे, तो इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, चलिए ना मैं आपको दो तीन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और बता देता हूँ, फिर हम लोग होमवर्क लेंगे इसका, एंड देन मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, छोटा वाला फंक्शनल ग्रुप, जैसे थायो अल्कोहल है, ये दो तीन हैं छोटे छोटे, वो खत्म करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सी डबल बॉन्ड ओ आपको इजी लगेगा, डोंट वरी, NH2 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सर अभी इसमें तो दो दो बार आ गया, दो दो बार आ गया तो क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से भी कर सकते थे, सेम ही था, बराबर है, तो टोटल कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, अभी ये कार्बन काउंट हो रहा है तो अमाइड आएगा कि कार्बोक्सामाइड आएगा, सर अमाइड आएगा क्योंकि कार्बन काउंट हो रहा है, कौन कौन से नंबर पे है, 1 पे और 4 पे है, कितनी बार अमाइड है, 2 बार है, सो डाई अमाइड। अभी आप बताओ इसका शुरुआती अक्षर क्या है, डी है, तो इस ई को ड्रॉप करने की जरूरत है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्लीज प्रैक्टिस करना बच्चों, CH2 CH C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, अभी बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व। चलो आप लोग पहले ट्राई कर लो, तब तक मैं ये वाला पार्ट इरेज करता हूँ, देखते हैं आप लोग क्या लाते हो आंसर, देखते हैं वो भी। सर इसमें ट्राई अमाइड आएगा, ट्राई अमाइड कैसे आएगा बच्चों, तीनों को नंबरिंग आ रही है क्या, अमाइड वर्ड कब आता, जब अमाइड वर्ड कब आएगा, जब सी डबल बॉन्ड होगा कार्बन काउंट होगा तो ना, अगर वो कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो अमाइड वर्ड कैसे आएगा बच्चों, दिमाग लगाओ जरा। तो देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं यहां से शुरू करता हूँ, सुनो सब लोग ध्यान से, 1 2 3 4 5, तो ये वाला कार्बन छूट रहा है, अगर ऐसे करते तो 1 2 3 4, तो ये वाले दोनों कार्बन छूट रहे हैं, तो इससे क्या सीखने को मिला कि यहाँ पे एक तो है कि बेटा ये सब कार्बन तो काउंट हो नहीं सकते, तो मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था,
नए आईयूपीएसी पैटर्न के हिसाब से फिर किसी को भी काउंट मत करो, किसी को भी काउंट मत करो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी काउंट नहीं किया, 1 2 3, क्या ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है? नहीं। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। बट तो फिर इसका नाम अमाइड आएगा कि कार्बोक्सामाइड आएगा? कार्बोक्सामाइड आएगा। अब इसमें कितने कार्बन है? 3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेना, ठीक है ना। 1 के ऊपर भी है अमाइड, 2 पे भी है और 3 पे भी है। सो 1, 2, 3 ट्राई अमाइड मत लिखना, कार्बोक्सामाइड। क्यों? क्योंकि ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मार्क करना, ठीक है। चलो होमवर्क लिखो फिर आप लोग, 4 से 5 एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो NH साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये, लिख लीजिए। टाइम है तो अभी सॉल्व कर लीजिए साथ में। छह क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको होमवर्क में दिए, ये आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आफ्टर अमाइड्स, ठीक है ना, ये इज थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का मतलब होता है SH, ठीक है। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, जैसे हम लोग वहां पे ऑल बोलते हैं ना अल्कोहल को, यहाँ पे थायोल बोलेंगे, ठीक है। अगर ये साइड चेन के तौर पे है, साइड चेन मतलब किसके तौर पे, प्रीफिक्स के तौर पे है, तो हम लोग इसको बेटा मरकैप्टो बोलेंगे। ऐड कर लेना अपने लिस्ट में, मरकैप्टो। क्या लिखेंगे? मरकैप्टो, MERCAPTO, मरकैप्टो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, अगर मेरे पास में ये होता सर, ये तो आपने मिथेनॉल बना दिया, क्या ये मिथेनॉल है ना, अल्कोहल है, तो यहाँ पे ओ की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, SH आ जाएगा, बस खत्म। ओ की जगह पे S आ जाएगा, खत्म। तो इसमें कार्बन एक ही कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, ए ना मिथे ना, बराबर। और ये क्या बेटा, थायोल है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेन थायोल, बराबर। एकदम इजी था। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास जो लिखा हुआ है वही लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे SH डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। वैसे भी बेटा ये तो आ ही नहीं सकता चेन में, बिकॉज इसमें कार्बन नहीं है, तो इसको ऐसे साइड से नंबरिंग करो जहां से छोटा नंबरिंग मिले, ठीक है। प्रीफिक्स रूल और वो सब हम लोगों ने पढ़ा था, लोएस्ट लोकल रूल। तो आप बताओ ये कौन से नंबर पे आ गया, 2 पे आ गया। टोटल कार्बन कितने, 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप एन। 2 के ऊपर क्या है, थायोल। सर ये ई क्यों नहीं हटा रहे हो, क्योंकि शुरुआती अक्षर क्या है बच्चों, टी है, ठीक है ना। तो टी है तो ये थायोल, ई का ये अपना 1 डिग्री रूट का जो है, 1 डिग्री सफिक्स का जो ई है वो हटेगा नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, ये बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो अभी हमको कम टाइम लग रहा है, पहले हमारा एक एक लेक्चर में एक एक फंक्शनल ग्रुप ही हो रहा था सर, आज भी आपने एक ही सीखा है। मैं कभी कभी कैसा होता है बेटा, भावनाओं में बह जाता हूँ, ठीक है ना, तो सिखाते सिखाते फिर और एग्जाम्पल बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है। इस वजह से ऐसा घटनाएं होती जाती है मेरे से। बच्चों ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये रहे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अपना रूल क्या है, FMS, तो नंबरिंग यहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6। सर इसका स्पेशल सफिक्स क्या है, स्पेशल सफिक्स इसका कभी होगा ही नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं ना। स्पेशल सफिक्स किसका होता है बेटा, जिसमें कार्बन होगा, अभी इसमें कार्बन नहीं है, तो स्पेशल सफिक्स की जरूरत नहीं, इसमें थायोल ही बढ़ाएगा। अभी देखो
इथाइल भी है नाइट्रो भी है, तो ये दोनों क्या है आपके प्रीफिक्स है, साइड चेन है। तो ई पहले आता है कि एन आता है, पहले ई आता है। सो फोर इथाइल, इसका नाम हो जाएगा फोर इथाइल एनओ टू को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, फोर इथाइल नाइट्रो। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्सेन थायोल, साइक्लोहेक्सेन थायोल। नो नीड टू राइट वन बिकॉज वो वन पे जुड़ा है तो नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तीन एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करो, फोर्थ वाला। फिफ्थ एंड सिक्स भी आपको ही करना है। वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए। हो गया, चलिए डिस्कस करते हैं आंसर्स। सबसे पहली बात तो ये, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है इसमें, यही है बराबर। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 बताइए। नाम हो जाएगा इसका, चार कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, ब्यूटर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ए ना, टू के ऊपर थायोल है, वन के अलावा कुछ भी होगा तो लिखना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा टू थायोल। उसके बाद में नेक्स्ट, यहां से अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4 तो टोटल कार्बन कितने, चार, ब्यूट टू इन, वन के ऊपर थायोल पर लिखने की जरूरत नहीं है, थायोल बढ़ा जाएगा। आई होप सबने बराबर लिखा होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, और ये क्या है, दोनों साइड चेन है। तो नंबरिंग बेटा फंक्शनल ग्रुप से शुरू होगी, वन, फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, फिर साइड चेन की तरफ। तो बताओ मिथाइल में एम पहले आता है कि नाइट्रो का एन पहले आता है, एम पहले आता है, एम एन ओ बोलते हैं ना हम लोग, तो थ्री के ऊपर मिथाइल, थ्री के ऊपर मिथाइल, फोर के ऊपर नाइट्रो, टोटल कार्बन कितने रिंग में, छह है, तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। उसके बाद में टू के ऊपर इन, वन के ऊपर थायोल, ठीक है। आई होप आप लोगों को थायोल वाला फंक्शन ग्रुप की समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो थायो अल्कोहल है, ठीक है ना, अभी साइनाइड में पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में, आइसोसाइनाइड है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको पहले बोला है एक एक फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए बेटा इक्वली इंपॉर्टेंट मान के चलूंगा। हाँ एग्जाम्पल्स थोड़े से अभी धीरे धीरे कम होते जाएंगे बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में भी देखे और हमको आगे भी इनकी जरूरत बहुत ही कम पड़ने वाली है। तो एटलीस्ट मैं आपको पांच पांच छह छह एग्जाम्पल्स को हर एक के प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके छह एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, अभी होमवर्क में लिखिए बच्चों आप लोग, ठीक है। होमवर्क इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ इसका भी, हो गया। चलो अभी होमवर्क लिखिए, थायो अल्कोहल का होमवर्क, ठीक है ना, अमाइड का तो होमवर्क मैंने दे दिया है, थायो अल्कोहल का होमवर्क लिखिए। गिव द आईबीसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग थायो अल्कोहल्स, CH3, C डबल बॉन्ड H, ये तो दिया था क्या, चलो इसको थोड़ा टफ बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ दिया। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, चल ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने थायो अल्कोहल के बेटा आपको कितने एग्जांपल्स दे दिए, तीन एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है, फिर अभी मैं आपको खाली एक एग्जांपल एक्स्ट्रा वाला बता रहा हूँ, वो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना। सर एक्स्ट्रा वाला एग्जाम्पल क्या, कि अगर समझो SH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपका SH मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो, जैसे कि सर बताओ CH3 CHS, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड लिस्ट में नंबर वन पे आता है। तो सबसे पहली बात तो मेन आपका ये चेन हुआ, नंबरिंग बेटा ये भले आपने डाला है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में है, ठीक है ना। आप कोई शॉप में जाते हो
बराबर है। तो शॉपकीपर में आप किसी के साथ जा रहे हो, बराबर है, समझो आपके फ्रेंड और आप दो जन जा रहे हैं, ठीक है, समझो राम और श्याम दो गए, तो श्याम भी क्या करेगा, राम के साथ चलेगा। तो शॉपकीपर बेटा राम, समझो श्याम, राम जो है शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, तो श्याम बाजू में खड़ा है, तो शॉपकीपर उसको बोले आपको क्या चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, नहीं हो तो मैं तो साथ में हूँ बेटा, तो वैसे ये साथ में है, तो बेटा इसको अलग से नंबरिंग मत करना या साइड चेन मत मारना इसको, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो अभी 3 के ऊपर कौन है, एस एच है ना, तो ये तो बेटा क्या हुआ, अभी आपका साइड चेन है, कौन सा चेन है, साइड चेन, और साइड चेन मतलब प्रीफिक्स हुआ, तो प्रीफिक्स के तौर पे मैंने आपको इसका नाम बताया था मर कैप्टो, तो थर्ड के ऊपर क्या आएगा इसका नाम, मर कैप्टो, थर्ड मर, थ्री मर कैप्टो, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं था इस तरीके से, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स और ले लो होमवर्क के तौर पे, सर आप होमवर्क बहुत देते हो, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लिखो अभी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो यहाँ पे COL डायरेक्टली जुड़ा है, तो क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एक और एग्जांपल ले लो, SH, यहाँ पे मिथाइल, और आज ही हमने पढ़ा ना अमाइड, चलो अमाइड का एक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, और ये तीन क्वेश्चन, और उसके पहले मैंने अमाइड के कुछ लगभग आपको 4-5 एग्जाम्पल्स होमवर्क में दिए थे, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। आज हम लोग ने दो फंक्शन ग्रुप कंप्लीट किए, एक तो अमाइड किया वेरी मच डिटेल में, और हम लोग ने बेटा थायो अल्कोहल्स पढ़ा, ये हम लोग आगे के लेक्चर में साइनाइड, आइसोसाइनाइड है, असाइल हलाइड है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं, सबसे पहले आपको इसका टेस्ट दे दूंगा 2-3 क्वेश्चन, एंड देन हम लोग आगे का लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।